महाभारत पढ़ा करो। कुछ लोग कहते हैं जी घर में महाभारत रखेंगे तो महाभारत होगा। बताओ, इतना गलत प्रचार करते हैं सनातन धर्म का। इन लोगों को मिर्ची का धुआं देने की जरूरत है। जो ऐसा कहें इनके उल्टा लटकाओ, पांव ऊपर बांधो, सिर नीचे करो, लाल मिर्ची का धुआं। महाभारत घर में रखनी चाहिए, पढ़ना चाहिए। जो महाभारत पढ़ता है उसके जीवन में महाभारत नहीं होता, क्योंकि महाभारत की कथा हमें बहुत कुछ मैच्योर कर देती है। अच्छा ये बताओ, जो महाभारत पूरा पढ़ लेगा उसे फिर कुछ पढ़ने की जरूरत? पूरा इतिहास, भारत का पूरा इतिहास, भारत का कल्चर, सब कुछ है महाभारत। ऐसी इस धरती, इस संसार में ऐसी कोई कथा नहीं है जो कथा महाभारत में ना हो। 18 पुराण में ऐसी कोई कथा नहीं है जो कथा महाभारत में ऑलरेडी ना हो। ऐसा कोई ज्ञान नहीं है। अरे और तो छोड़ो, श्रीमद् भगवत गीता भी महाभारत का ही अंग है। भगवत गीता भी महाभारत के अंदर है। विष्णु सहस्त्र नाम भी महाभारत के अंदर है। ये महाभारत के ही 1,00,000 श्लोकों में 700 श्लोक निकाले गए जो भगवान की वाणी, वो महाभारत का ही चैप्टर है, सब्जेक्ट है। अब बताओ, गीता से बड़ा ज्ञान धरती में कहां? इस संसार में ऐसा कोई ज्ञान नहीं जो महाभारत के अंदर ना हो। और लोग, मूर्ख लोग कहते हैं महाभारत ना पढ़ो वरना महाभारत होगा। तो यूक्रेन ने रशिया से, कौन से इन लोगों ने महाभारत पढ़ा था कि इनका महाभारत चल रहा है? यूक्रेन और रशिया ने महाभारत पढ़ा है क्या? फिर भी तो चल रहा है। और जो तुम अंधविश्वास फैला रहे हो कि महाभारत रखने से, पढ़ने से महाभारत होगा, तुम नहीं पढ़ रहे हो फिर भी तो तुम्हारी सास बहू का महाभारत चल ही रहा है। पढ़ लेते तो ये ना होता, ये भाई भाई का महाभारत ना होता जो हो रहा है ना मैया, मैया ओ पंचायती मैया, सही है ना?